Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग एक न्यू हॉरर गेम खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है Evil Nun. Alright, तो अभी फिलहाल हम लोग एक टैक्सी में बैठ के शायद से स्कूल के लिए जा रहे हैं. तीन रास्ते ओनली. क्या ठीक है, बहुत तेज की बारिश हो रही है और मैंने वॉल्यूम फुल कर रखे है ताकि फुल फील आए. आप लोग भी हेडफोन या ईयरफोन लगा के इस वीडियो को देखोगे तो मजा आएगा. और ये हमें स्कूल छोड़ने कौन जा रहा है यार? जिंगल बेल गाता हुआ भाई. माहौल अभी से ही डेंजरस लग रहा है एंड ग्राफिक्स क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, मतलब मोबाइल और पीसी वाली में बहुत डिफरेंस है यार. और एक हॉरर गेम जितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है ना, वो उतनी डरावनी हो जाती है. खैर हम लोग मेरे को तो लग रहा था अभी हम ही मर जाएंगे और हम ही भूत हैं इस बारी. और ये सामने कौन है? हेलो भाई साहब, क्यों भाई एंट्री डेंजरस थी. सामने वो बंदा डरा, पीछे से उसने मार डाला. ठीक है भाई, अब ये इलाके में स्कूल के अंदर बंद करेंगे. डन भाई, मजा आने वाला है. आई हैव टू बिहेव प्रॉपरली. आई एम अजवल एंड आई एम गोइंग टू बी गुड. डन. तो फर्स्ट डे हमने ये चौक से सामने बोर्ड पे लिख दिया एंड ये है हमारा रूम. और सामने से ही मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है, बाहर जाके देखूं क्या. हे 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 भाई, ये कितना डेंजरस घर है. एक सेकेंड, ये जैसे हमने पहले खेला था कुछ वैसे ही है. बट एक बार ये सब देखो भाई, क्या हो रखा है. सो ब्लड जा रहा है इस वाले रूम में और ये इसका जादू टोने वाला रूम है भाई. ये ऊपर से पूरा जल गया फ्लोर, यहाँ पर इसने आग लगा रखी है भाई. मेरे को इसके अंदर ही बंद करके मार डालेगी मैं यहाँ से. अरे भाई ये आ गई, भागो 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 खुल. इसने मेरे को देख लिया, देख लिया. नहीं नहीं नहीं, भागना होगा भागना होगा भागना होगा, भाग भाग भाग. अरे भैया मेरे को तो घर के रास्ते भी नहीं पता, मैं बाथरूम में आके छुप गया हूँ. अरे कूद मत भाई माइक. नहीं मरा 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 मरा. I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, मरी, मैं भागूंगा यहाँ से. भाई ये डेंजरस है यार. मैं जस्ट बाहर जाके नहीं निकला था, इसके मैं रूम में गया जादू टोने वाले और ये भाग के आ गए भाई. डे टू, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाइफ्स हैं. एक बारी में मर चुका हूँ भाई. ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम से सोच समझ के और बिना शोर मचाया मुझे खेलना है. अगर मैं जितना शोर मचाऊँ और उसको उतना मेरे बारे में पता चलेगा. यार इस विंडो से ना कुछ भी ऐसे खास नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल. ये मेरा रूम है जहाँ पर ये मुझे हमेशा लाके बंद कर देती है. ये क्या है? मिस्टीरियस डिवाइस. ओ क्लॉक है, नथिंग हैपन. और ये है फिगरीन, पता नहीं किस काम का है. बाकी यहाँ पर एक रूम है कि कल को वो अगर आए तो मैं इसके अंदर छुप सकता हूँ. काश मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लोर किया होता तो आज मैं उसके हाथों मारा ना गया होता. बाकी ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार यहाँ से बाहर निकलने का. फिलहाल मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा साउंड आ रहा है कि वो जैसे बाहर है. ओ वेट, यहाँ पर एक सीढ़ी है यार, ऊपर से आने का रास्ता मिल गया. यहाँ पर एक गेट है, मुझे पता था लॉक होगा. द डोर विल बी अनलॉक्ड इन अ फ्यूचर अपडेट. अभी गेम पूरी नहीं है भाई, आगे और भी कुछ आने वाला है. बाकी आई 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 यार मैं कुछ, ये सामने कुछ तो है. ओ यार मैं इसे ऊपर जाके पढ़ूंगा, कुछ तो है. You are not the first to be deceived. I will help you out if you promise to follow my advice to the end. Follow my leads, I will leave. Oh wait, तो ये जो नन है ना, ये यहाँ पर पहले भी किसी बच्चे को पकड़ कर लाई होगी और वो शायद यहाँ से बचकर भाग गया है. तो उसने कहा है कि उसे सारे रास्ते, उसे सारे तरीके पता है कि कैसे बचना है. तो हमें उसकी एडवाइस फॉलो करनी है ताकि हम लोग भी बच पाएं. पहला काम उसने बोला है क्रॉस द ब्रिज, फाइंड 3 फ्यूजेस एंड प्लेस देम इन द फ्यूज बॉक्स ऑन द सेकंड फ्लोर टू रिस्टोर पावर एंड ओपन द फोल्डिंग मेटल डोर. यू विल बी फाइंड वन इन द किचन एंड वन इन द डाइनिंग रूम एंड वन इन अ नन्स रूम. तो ऊपर वाले फ्लोर पे कोई शायद से ब्रिज है जो कि हमें एक दूसरी साइड पर लेकर जाएगा. तो हमें उस ब्रिज पर जाने के लिए कोई डोर ओपन करना होगा. जिस डोर को ओपन करने के लिए हमें 3 फ्यूज चाहिए और वो तीनों फ्यूज हमें मिलने वाले हैं. वेट, सबसे पहले तो मैं मरूंगा. मेरे को ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, सबसे अच्छी बात ये है. बट मैं पूरे में शोर मचाता हुआ क्यों जा रहा हूँ? मरूंगा. कहाँ पर है, कहाँ पर है मुझे पता नहीं, बस मैं भाग रहा हूँ.
मरूंगा भाई, मैं छुप जाऊं क्या कहीं? मैं यहां पर छुप रहा हूं भाई, बैठ जाओ, डेंजरस मामला है फिलहाल। ये देखो गाइस, यही है वो लीवर जिसको मुझे ओपन करके, जिसमें फ्यूज लाकर लगाने हैं ना, 1 2 3, इन तीन फ्यूज लगाने के बाद मुझे इस लीवर को डाउन करना है। और ये जो तार जहां जा रही है ना, वेट, ना ना गई, तार जहां पर जा रही है शायद से वहीं पर कोई दरवाजा है। मर गया भाई, मर गया, इस बार मर गया। प्लीज प्लीज मत आ, उसने देख लिया बहुत अच्छे से। मैं छुपा पड़ा हूँ भाई, एंड शायद मैं सेफ हूँ। मतलब अगर एक जगह चुपचाप बैठ जाओ ना तो भी हम बच सकते हैं, मेरे को इतना तो अभी क्लियर हो गया है। बाकी यार ये सामने इधर की तरफ जाना है मेरे को। हाँ ये देखो गाइस, वो जो वायर आ रही है ना वो यहाँ पर आ रही है, यानी इस बटन को दबाने से ये दरवाज़ा खुल जाएगा और ये ब्रिज है जो कि मेरे को स्कूल की दूसरी साइड पर लेकर जाएगा। तो उस ब्रिज पे जाने के लिए मुझे यहाँ पर बस 3 फ्यूज़ लगाने हैं, और जैसा कि उसने बताया कि एक है किचन में, एक है डाइनिंग रूम में और एक है नन के रूम में। तीनों फ्यूज़ की एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई है। फिलहाल ये डाइनिंग रूम है यार, ये देखो खाना खाने का कमरा यही तो है, यहाँ पर एक फ्यूज़ होना चाहिए। ये तो रहा फ्यूज़ भाई, सिंपल यार, एक फ्यूज मिल गया, लेट्स गो। इसको चल के लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, डन। अब बस मुझे 2 और लाने हैं। अब डाइनिंग रूम के आगे किचन भी होगा, भाई किचन की तरफ चलता हूँ। तो यार ये घर बहुत भूल भुलैया यार, मतलब मोबाइल वाले में काफ़ी सिमिलर था, बट ये नन आ रही है सामने है। मेरे को उसकी हेडलाइट से थोड़ा इंडिकेट हो जाता है। बाकी मेरे को एक और फ्यूज़ यहाँ पर मिल चुका है, बट चुपचाप जाना होगा मेरे को, सामने ही जाना है, बट एकदम प्यार से आराम से। मैं आया था, मैं किधर से आया था यार, एक क्या रास्ते हैं यार, छी मतलब अचानक से मैं उसके मुंह के आगे जाके ना खड़े हो जाऊं, दिक्कत हो जाएगी। ओके डन, 2 फ्यूज लग चुके हैं भाई। अब मेरे को नन का रूम ढूंढना है, और मुझे इतना याद है कि नन का रूम ना ग्राउंड फ्लोर पर होता है, मतलब मोबाइल वाली में ग्राउंड पर था। अब ये जो नया वर्जन है इसमें कहाँ होगा उसका कोई आइडिया नहीं, बट आ रही है, वो यहीं कहीं है। मैं काम करता हूँ, पहले ना नीचे जाने की सीढ़ियाँ ढूंढता हूँ, मेरे को घर के रास्ते नहीं याद हो रहे, मैं खुद याद है मिल गई भाई, तुक्के से मिली है वो बात अलग है, बट नन का रूम ढूंढना है मुझे अभी। नन का रूम देखो, ये वाला मेरा रूम है जहाँ पर ये ब्लड है ना, इससे तो आ रही है क्या? हाँ, मुझे इससे इतना पता चल जाता है कि ये मेरा रूम है। मैं अभी लेफ्ट साइड पर गया था, मुझे सीढ़ियाँ मिल गई थी, अब चलते हैं राइट साइड पर। परफेक्ट, यहाँ पर कोई नहीं है। ये एक दरवाजा है, ओ मैं तो एस्केप हो गया, मैं तो घर के बाहर ही आ गया। नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ बैठ रहा हूँ मैं। नहीं, मार देगी भाई, गया इस बार, गया, मैं कहाँ आ गया घरों के पीछे भाई, जंगल में जा, यहाँ से गई क्या? यस गई। क्या कोई बैक साइड से रास्ता है? आई नीड अ स्पेशल की टू ओपन इट। बैक साइड से यानी कोई रास्ता नहीं है, मतलब कोई की चाहिए होगी जो घर के अंदर ही मिलेगी शायद। फिलहाल मैं यहाँ से हर एक विंडो में, गाइस देखा, फ्यूज़ ये पड़ा, ये सामने फ्यूज़ पड़ा हुआ है, मुझे कुछ भी करके इस वाले कमरे में आना है। नन ये घूम रही भाई, नन अपने कमरे में तो वापस बार बार आती है, इतना तो मुझे समझ आ गया, बट ठीक है, फ्यूज़ मेरी आंखों के सामने, मैं शीशा तोड़ के नहीं ले सकता, मुझे घूम के ही आना होगा। बट इतना मेरे को और दिखा कि नन वहाँ पर घूम रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उससे बच के भाग सकता हूँ। ओके, तो उसका रूम था यहाँ से राइट साइड में, ये तो लाइब्रेरी है यार, आगे वाला रूम पक्का कनेक्ट होगा, यही है। सामने कहीं था फ्यूज, वो रहा बेड पे, भाग 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 भाग, उठा भागो, मिल गया, ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर बस मुझे इसे लगाना है ताकि मैं ब्रिज के थ्रू दूसरी साइड पे जा पाऊँ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो ऊपर है, भागो, मरूंगा इस बार। मेरे को यार साउंड से अलग से डर बैठ जाता है यार। ये रहा रूम, लगाओ डाउन, फाइनली हमने गेट ओपन कर दिया है। जल्दी से चल के इसे दबाना है बस। ये गेट ओपन बंद नहीं होगा क्या? ये बंद छोड़ो, मैं दूसरी साइड पर आ चुका हूँ, एंड अभी मेरे को ना उसका लेटर पढ़ना है कि इस साइड आकर मुझे क्या करना था। ये वाला दरवाजा कहाँ जा रहा है? ये सही है, छुपने के लिए मस्त जगह है। अब पढ़ते हैं, इसमें लिखा है लुक अप आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज इन द रूम नेक्स्ट टू द मेन स्कूल एंट्रेंस, फॉलो द एडवाइस ऑफ द पेंटिंग, यू विल नीड अ लॉन्ग आइटम। ओके,
तो जो ये वाली बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं पर तो स्कूल का मेन एंट्रेंस है, तो उस मेन एंट्रेंस वाले एरिया के मैं मर गया भाई। इसको पता कैसे चला यार भाई, छोड़ दे। तो पहले तो पहुंचते हैं उस जगह पर, क्योंकि अभी गेट खुल चुका है तो मुझे ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, नन से जरूर बच के रहना है। भाग भाग के चलता हूँ सीधा ऊपर बिना टाइम वेस्ट करे। ये दरवाजा अगर बंद हो जाता ना तो मजा आ जाता, ये साइड आ ही नहीं पाती। बाकी हाँ, यहाँ पर भी ये तो लॉक्ड है। इस तरफ में यस, इस तरफ में कोई रास्ता है तो मुझे भी कि वो वाली बिल्डिंग में जाना है जहाँ पर मेन एंट्रेंस है, उसके साथ वाले रूम में पेंटिंग का एडवाइस फॉलो करना है और देखते हैं फिर क्या होता है। बाकी ये भाई, मैं अभी किसी और ही बिल्डिंग में आ गया हूँ यार, मेरे को पता नहीं ये सही बिल्डिंग है या फिर गलत है। इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि नन को शक ना हो कि यहाँ पर कोई आया है। और भाई ये अलग ही भूल भुलैया है। इधर रास्ता, यहाँ पर तो खैर पेंटिंग रूम है भाई ये, बट मेन एंट्रेंस ढूंढना है पहले, उसके साथ वाले रूम में बोला है। ये भाई ये टाइपराइटिंग रूम है, यहाँ पर इतने सारे टाइपराइटर भाई। ये स्कूल है बेसिकली, वो उसका घर था और उसके घर से स्कूल कनेक्ट है। तो अभी हम लोग स्कूल साइड पर आ चुके हैं और यही है गाइस मेन एंट्रेंस। इफ आई फाइंड द की आई कुड फाइनली एस्केप। ठीक है, ये एग्जिट है और उसका साथ वाला रूम ये है। इसके अंदर मैं आ गया हूँ, इसे बंद कर देते हैं। और ये रही पेंटिंग, इसमें लिखा है ऊपर क्या है, सीलिंग। द सीलिंग इज ब्रोकन, हाउ सस्पिशियस, आई कुड हिट इट विद अ लॉन्ग आइटम। तो अगर मैं इस पर कुछ लॉन्ग आइटम ला के भिड़ा दूंगा तो शायद उसमें से मेरे को कुछ मिल जाए, क्या पता मेरे को ऐसे सीढ़ी लटक जाए ऊपर जाने के लिए। बट ठीक है, नन ना आ जाए इसलिए थोड़ा बहुत शांति से मेरे को कोई लॉन्ग आइटम ढूंढना है। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, किसी ना किसी में तो कुछ तो मिलेगा। यहाँ पर तो खैर कुछ नहीं है, बट एक रास्ता मिला है और इसको वेंट को गिराऊंगा तो शोर मच जाएगा, इसलिए मैं एकदम चुपचाप ही सारा काम करने वाला हूँ। इसी रास्ते से चलते हैं। इतनी बड़ी जगह है ना, मैं तो भूल गया कि वो वाला कमरा भी, मतलब मेन एंट्रेंस पे अगर अभी मेरे को वापस जाना है तो दोबारा ढूंढना पड़ेगा। रास्ते इतनी ईजिली नहीं याद होने वाले भाई इस जगह के। बाकी ये मैं कहाँ गया हूँ, अरे अरे ना ना, अरे तो मैं बाहर ही आ गया, अरे मैं इस जगह के बाहर ही आ गया। बट हाँ, यहाँ पर वॉल होगी, मैं स्कूल से बाहर तो निकल नहीं पाऊंगा, इसलिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दरवाजे बंद हैं। अभी वापस चलते हैं एक बार इस स्कूल में। आपको नो यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर जाने की। क्या ठीक है, वहाँ पे अभी जाना नहीं है, मेरे को पहले कोई लॉन्ग आइटम ढूंढना है तो पक्का इनमें से ही। बाथरूम में क्या पता कुछ पड़ा हो, नहीं इतनी अच्छी किस्मत कैसे है मेरी, समझ रहे हो, नहीं है। खुल भाई यहाँ पर, अरे वेट, यहाँ पर तो नीचे जाने का कोई रास्ता है भाई। ये कितना डेंजरस कर दिया यार, ये बिजली क्यों कड़क, अच्छा लाइट खराब है, मैं सोच रहा था बिजली कड़क रही है। ठीक है भाई, पता नहीं यार, समझ नहीं आ रही, भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे मैं आ गया हूँ। मेरे को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी लॉन्ग आइटम नहीं है। कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे मैं उस सीलिंग को तोड़ सकूँ तो बस हम शायद से एस्केप कर पाएंगे यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे। अभी तो बस एक ही जगह पे घूमे जा रहे हैं इस भूल भुलैया में। ये क्या है, ये मैं कहाँ गया हूँ, ऐसा लग रहा है किसी स्टेज की बैक साइड पे हूँ मैं, वो सच में स्टेज की बैक साइड पे हूँ मैं। ये क्या है, तेरी ऐसी की तैसी, इसको मैंने बजा दिया। ये क्या भाई, नन आएगी, मैंने पहली बार तो वायलिन बजा दिया तो थोड़ा सा तो नॉइज मचा होगा और नन यहाँ पर आती ही होगी, उसको इतनी देर से पता नहीं था मैं इस बिल्डिंग में घूम रहा हूँ, बट अभी मैंने शोर करके गड़बड़ कर दी। बट ठीक है, अभी वो शायद, ओ ब्रूम मिला, शायद इससे अपना काम हो जाए, आई होप हो तो जाना चाहिए। बाकी यहां पर ये क्या मिला था मेरे को, ये जाने दो गई। हाँ ये क्या मिला था मेरे को, ये नहीं समझ आया। आई नीड समथिंग टू रिमूव द नेल्स, अंदर कोई डब्बा पड़ा है तो उसके लिए मेरे को जो कील ठुकी हुई है ना वो हटानी है ताकि मैं उसे खोल पाऊँ। फिलहाल मैं मरूंगा। उसने मेरे हाथ में ब्रूम देख लिया, कह रही इसी झाड़ू से दिमाग साफ कर दूंगी, चल निकल, इसको पता ही नहीं है मैं यहाँ छुपा हूँ। अरे थोड़ा मत मारती हो भाई, चलो गई।
मेरे को याद था कि इसके अंदर एक छुपने वाला बॉक्स है। ओह फाइनली बंद करो इसे। ठीक है थोड़ा दूर जाने देता हूँ या फिर कर दूँ। ये लकड़ी मारी मैंने सीधा ऊपर। मार जल्दी, लेट्स गो और तेज। ये मिल गया हमें क्रोबार। ठीक है अभी इसको पहले फेंको, क्रोबार उठा के मैं पहले ना छुप जाता हूँ, कल को कोई आ रही हो। आ रही है, दिमाग तो है भाई। आजा, आवाज़ तो गई है, ऐसे आएगी भाग के। बट ठीक है मैं इस बार बच गया हूँ। अभी ये जो क्रोबार है ना मुझे इसे लेकर जाना है। वो जो हॉल था ना, उस हॉल में वो जो डब्बा कोई रखा हुआ था अंदर, वो उसको मेरे को निकालना है। अरे जा भाई, ये कितनी ज़्यादा चेकिंग करेगी यार। अब डर नहीं लग रहा भाई मेरे को इससे इतना। मेरे को पता है इससे कैसे, बस भागना है इससे। अगर बचना है ना तो रुकना नहीं है। ओके बच गया हूँ मैं, सेफ हूँ। ये गई है इस साइड पे, और वो जो डब्बे थे वो हैं इस तरफ। फटाफट से चल के इसे खोलते हैं। आई मीन डब्बे नहीं, कील। कील मेरे को निकालनी है यहाँ से। चार, अच्छा चार इधर भी हैं। डन, ये मेरे को उठाकर भागना है बस। ये है क्या मेरे को पता क्या चलेगा, इसको यूज क्या है इसका। सेफ हूँ, सेफ 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 सेफ। तो अपना दो काम हो चुका है। इस पर लिखा है बॉक्स ऑफ कुकीज। बॉक्स ऑफ कुकीज का है, इट मस्ट कंटेन समथिंग इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी ओपन परहैप्स बाय ड्रॉपिंग इट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉसिबल प्लेस। ओके तो ये जो कुकी बॉक्स है इसके अंदर कुछ तो रखा हुआ है। और चुपचाप अभी तक उसने मेरे को नहीं देखा। पेंटिंग को गिरना जरूरी था। बच गया हूं मैं, लेकिन अभी भी सेफ हूं। हाँ तो इस कुकी बॉक्स के अंदर ना पक्का कुछ ना कुछ तो है, बट ये हम लोग इसे ऐसे नहीं खोल सकते। हमें इसे कहीं ना कहीं से तो किसी ऊंची जगह से गिराना होगा, उसके बाद ही ये ओपन होने वाला है। फिलहाल क्या, अरे याद आया बाहर सीढ़ियाँ थी ना, मैं छत पे जाके गिरा दूँगा ऐसे नीचे। लेट्स गो एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ से गिराने पर ये ओपन हो जाए। यहाँ क्यों ऊपर, इससे ऊँची जगह तो भाई मेरे को भी नहीं पता। ये मेरे को फेंकना है इसे नीचे। रुक जाओ, यहाँ से इसे फेंक देता हूँ मैं, कहीं अटक ना जाए भाई ये। हाँ ये ले, वो गिरा। हाँ आई कैन नॉट ओपन द बॉक्स, इट्स स्टक इफ आई फेल। ओह अभी और ऊंचाई से फेंकना है क्या। अरे जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं आऊँगा ही नहीं। ऊपर तो नहीं आती है, अरे ऊपर आती है भाई। मर गया, खत्म। अरे भाई वो पागल है क्या, वो पागल है भाई ये तो। ओ भाई साहब, जल्दी भाग। मैं चल रहा हूँ अंदर, मेरे को मैं नहीं चाहता वो मेरे को आए देखने की मैं छत पे हूँ। बाकी ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर मैं आ चुका हूँ। बाप रे इसको कैसे दिख रहा है सब कुछ। यहाँ फेंकना शायद। सीम्स लाइक द बॉक्स ओपन। ठीक है भाई बॉक्स ओपन हो चुका है, लेकिन ये नन मेरे को ओपन कर देगी। मेरे को भी ना वो वाली जगह ढूंढनी है जो बेसमेंट वाली सीढ़ियाँ नहीं थी, क्योंकि मैंने चिमनी में गिराया और वहीं पर चिमनी का एग्जिट था। तो चिमनी वाली जगह शायद से यहाँ से राइट में थी। इतनी मेमोरी तो है कि ये याद रहे। भाई यार कहाँ चली गई। अरे यार I'll find you sooner or later. मैं मर जाऊंगा भाई कसम से, रास्ते याद नहीं आ रहे, ये पीछे पड़े हुए हाथों के। और फाइनली मिल गया। लेट्स गो उस डब्बे में से। बस मेरे को कुछ काम की चीज़ मिल जाए भाई, कुछ ऐसे काम की जो या तो इससे बचा ले या घर से निकाल दे भाई। मेरे को मेन डोर की मिल गया, अब बस मेरे को मेन डोर पे जाना है और चाबी लगा के बाहर, ईजी। बट यार मेन डोर पे जाना भी एक मुश्किल टास्क है, ये देखो इसलिए बोल रहा हूँ। ये नीचे आ गई ना मैं मर जाऊँगा। गई लेफ्ट गई, साउंड सुनना आता है मेरे को। भागो राइट, पीछे नहीं देखेगी वो शायद, पीछे नहीं देखना देखो। डन मेन डोर का, अब मेन डोर नहीं मिलेगा यार भाई। मिल जाए यार, यहीं तो था इतनी देर से, हमेशा मेन डोर पे ही तो था मैं।
अरे यार शायद राइट में है, गिरा। फाइनली लग जा भागो। अरे अच्छा वायर लगी हुई थी वहां पे, अलार्म बज गया, बट ठीक है मैं तो भाग गया हूँ भाई, मेरे को नहीं मतलब। फाइनली भाई एस्केप्ड, लेट्स गो गाइस। मस्त एस्केप था, बट अभी गेम पूरी लॉन्च नहीं हुई है, यानी अभी बहुत सारे और भी ट्रैप और बहुत सारे और भी टाइप के एस्केप आने वाले हैं, और ये आगे के उस ट्रेलर है। इन दिस स्कूल देयर इज मोर एक्टिविटी देन इट सीम्ड। ओके तो यहाँ पर ये शायद से मेरे को समझ आ गया कौन है, ये लॉन्ड्री वाली आंटी है, ये कपड़े वपड़े धुलने के लिए। आगे की स्टोरी है जो हमें आगे गेम में अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी सिमिलर थी मोबाइल वाली से कि हमें, नहीं सिमिलर तो नहीं थी उसमें, मैं एक ऐसे वायर जोड़कर दरवाज़ा खोलना होता था, इसमें तीन फ्यूज़ दे दिए, तीन अलग अलग जगह दे दी, अच्छा था। लेकिन यूनिफॉर्म क्लोथ्स धुलने गई हैं, बट इससे मैं आगे कहानी क्या पता चल रही है, मतलब ये सारे शायद से न्यू लोकेशंस हैं। यूज दिस न्यू रैम्प टू एक्सेस न्यू स्कूल एरिया शॉर्टकट्स एंड एस्केप्स। ओके अब मैं इस स्कूल में तभी दोबारा आऊँगा जब इसका कोई नया एस्केप और नया अपडेट आएगा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी हो तो यार फटाफट से वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, इन कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आप लोग को इविल नन ज़्यादा डेंजरस लगती है या फिर ग्रैनी।